Good evening, sir. Pehle cursorily we'll run through our normal tax provisions. These are the tax provisions which will highlight only the taxation issues when the cooperative housing societies are going for the redevelopment. So that lot of other income tax litigations are going on. So aaj uske upar thoda sam laga. First and foremost, we will just study that every cooperative housing society is required to file the income tax return. They should have the PAN number. एंड इनकम टैक्स रिटर्न कंपल्सरीली फाइल करना ही करना है. अगर आप नहीं भरा, 5 साल के बाद भी किसी वजह से इनकम टैक्स की नोटिस एज अ नॉन फाइलर आएगी तो बाकायदा 5,000 रुपीज पेनल्टी 271F में लग जाएगी. यानी रिटर्न अगर आपको आज भी 5,000 रुपया भर के भी डालना है तो एक बार डालना ही है. अभी तक क्या चल रहा था कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में ये सारी न्यूज है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज नॉट लायबल टू इनकम टैक्स, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी लगता है. दे आर ऑफ द सोसाइटी, लाइक द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज बाय द मेंबर्स, फॉर द मेंबर्स एंड ऑफ द मेंबर्स. तो खुद का ही पैसा कलेक्ट कर रहे और खुद के ऊपर खर्चा कर रहे तो काय का प्रॉफिट, एंड वाई देयर शुड बी टैक्स. अग्री. सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी में मेजर पार्ट ऑफ योर इनकम विच इज बींग रिफ्लेक्टेड इन टू ए सरप्लस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी फ्री. But there are some other income also which is not free, जो government जानना चाहेगी. That means on that you are liable to pay the income tax. So income tax return भरना जरूरी है. जितना income निकल गया concept of mutuality में वो निकल गया, बाकी जो concept of mutuality में नहीं बैठता है so those will be taxable. तो पहले एक बात ध्यान में रख लो कि income tax return हर साल चाहे नील का हो, tax भरना है नहीं भरना है, आपको डालना ही डालना है. So that is the basic requirement. Another taxation requirement is the various TDS applicable during the year. जो TDS जो section पे applicable है, जैसे professional charges देते हो आप, security वाले को charges देते हो, labor contracts charges देते हो, आपके electrician plumbers को अगर पैसा देते हो और वो certain limits तक exempted है, वो basic limit जो जिसका 30,000, 70,000 जो भी अलग अलग section में limits है, वो limits को निकाल करके अगर है तो वो TDS applicable है. TDS टाइम पे काटना है और टाइम पे भरना भी है. मतलब एवरी मंथ का TDS अगर काटते हो तो दूसरे महीने के 7th को आपको भर देना है. TDS अगर नहीं भरते हो तो पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स, दैट इज द मैनेजिंग कमिटी, वो तीनों को प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है. कहीं कहीं सोसाइटियों में बड़ा अमाउंट होता है, TDS का अमाउंट भी लाखों में जाता है, तो इट इज़ अ नेसेसरी दैट आप TDS टाइम से भरो और उसको डिपॉजिट करके उसके रिटर्न्स भी भरो. हालांकि ये सब के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे जितने मेरे चार्टर्ड अकाउंट फ्रेटर्निटी मेंबर्स बैठे हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है. आज भी देर आर सोसाइटीज हु हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न्स फॉर नंबर ऑफ इयर्स. अभी शुरू हुआ है, पिछले 2-3 साल से जब से ये पेनल्टी आया वगैरह आया तो ये लोग चालू किए. नाउ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक है कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअलिटी जिसके अंदर में मेजर पार्ट ऑफ योर इनकम इज फ्री. दूसरा, सबके पास एक ज़्यादा सबसे बड़ा जो इनकम का एक इशू होता है दैट्स दे कलेक्ट वेरियस रिजर्व्स फंड्स, सिंकिंग फंड होता है, रिपेयर फंड होता है, और ये सारा पैसा they park it in the fixed deposits. Some societies park it compulsorily with the cooperative banks, which is the requirement of section 70 of the Maharashtra Cooperative Societies Act. And some societies bolta hai ye to cooperative bank ka koi bharosa nahi, ut gaya to kya. So they take a chance and they put it into nationalized banks. The difference here is that interest earned on fixed deposits which is kept on a nationalized bank is not exempt. Uske upar tax lagta hai. जबकि इंटरेस्ट अर्न्ड बाय ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो उसका पैसा एफडी में रखता है कोऑपरेटिव बैंक्स को, वो टोटली फ्री है अंडर ATP 2D. लॉट ऑफ लिटिगेशंस आर गोइंग ऑन. बेंगलोर से जो CPC से रिटर्न्स प्रोसेस होके कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के आते हैं उसमें नंबर ऑफ केसेस में ATP 2D डिसअलाउ होकर के आते हैं. दैट कम्स विद डिफरेंट मोटिव्स, क्योंकि समटाइम योर रिटर्न्स फाइलिंग जो है इट हैज़ नॉट गॉन करेक्टली. तो रिटर्न फाइलिंग में एक टेक्निकी रीजन होता है जहाँ पे आपको एक लिखना भी है कि वी आर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एंड वी डू हैव एन इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम दी कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक्स. और दूसरा, जब वो इंटरेस्ट आप क्लेम कर रहे हो उसके पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा आइटमाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको ITR के अंदर डालना है. नाउ देर आर कपल ऑफ पीपल लाइक टैक्स कंसल्टेंट है जो समझो कि नहीं समझते वो ITR की जो खूबियाँ, वो क्या करते हैं कि नहीं नहीं हम तो बिजनेस में है ही नहीं, हम क्यों डालें. वो सीधा सा सरप्लस जो निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सरप्लस, उसी को खाली एक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा के चले जाते हैं. दैट्स अ रॉन्ग प्रैक्टिस. यू हैव टू फिल एंटायर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एंटायर बैलेंस शीट इन द ITR. एक एक आइटमाइज्ड आइटम अंदर डालनी है और उसमें स्पेसिफिक PL के आइटम में जहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया गया वहाँ पे वो इंटरेस्ट फिगर रिफ्लेक्ट होना चाहिए. अगर इतना कर लिया तो बेंगलोर से कोई रिजेक्शन ATP 2D का नहीं आएगा. थर्ड थिंग इज दैट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज रिटर्न भी भरेगा, TDS भी काटेगा, ATP 2D भी मांगेगा. बट वॉट इफ यू हैव मिस्ड द ITR ऑन द ड्यू डेट?
Now, normally due date of filing the ITR for the Cooperative Housing Society is 30th of October. तो 30 अक्टूबर के पहले पहले अगर आपका रिटर्न नहीं गया और बिलेटेड हो गया, मतलब बाद में गया, तो एटीपी 2D का जो बैंक इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन है वो विड्रॉ हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, वो लेना ही लेना। ये प्रोविजन ऑलमोस्ट 18-19 से आ चुका है। दैट मीन्स एवरी सोसाइटी हैज़ टू कंपल्सरली फाइल रिटर्न्स ऑन और बिफोर द ड्यू डेट्स। नॉर्मली सबका ऑडिट जुलाई अगस्त में हो जाता है। सेप्टेम्बर इज द लास्ट, 30th September फॉर हैविंग द AGM, और इनकम टैक्स का लास्ट है 30th October। तो मिस होने का चांस बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल योर कमिटी ध्यान नहीं दे रही, या तो मे बी यू आर नॉट प्रॉपरली गाइडेड एंड ऑल दैट, तो ITR ही रहे। बट अभी एक नया प्रोविजन है, इसके लिए ITR हैज़ टू गो ऑन टाइम। दैट इज़ वन मोर अमेंडमेंट विच हैज़ कम नाउ। ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट, जो सबसे बड़ा हंगामा अभी सरकार ने कर दिया है, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू द रीडेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटीज। तो ये एक सीखना, जानना, ध्यान में रखना जरूरी है, नॉट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर माई फ्रेंड्स, बट एज अ सोसाइटी ऑल्सो, जिसका सोसाइटी प्रोस्पेक्टिवली रीडेवलपमेंट में जाएगा या ऑलरेडी जा चुका है और इसका प्रोसेस में है। तो दीज आर ऑल द प्रोविजन्स विच कम। नॉर्मली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जब रीडेवलपमेंट में जाता है तो बिल्डर अप्रोच करने के बाद बिल्डर दो तीन चीज़ करता है। एक तो आपका CC IOD लेके आएगा, बिल्डिंग डिमोलिश करेगा, आपके साथ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट JDA जो बोलते हैं वो साइन करेगा, और JDA में आपको आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री हुई है, यानी कि आपका फ्लैट अगर 500 स्क्वायर फीट का है तो हाउ मच एरिया इज एक्स्ट्रा गिवन, लाइक 25%, 35%, 45%, व्हाटएवर, वो लिखा रहेगा। सेकेंडली बिल्डर विल राइट हाउ मच रेंट आई एम गोइंग टू पे फॉर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आई विल व्हाट, हाउ मच ब्रोकरेज आई विल पे, हाउ मच ट्रांसफर शिफ्टिंग अलाउंस आई विल पे, जिसको इसको लोग हार्डशिप कॉम्पेंसेशन वगैरह जो भी बोलते हैं। एंड अबव ऑल, इसके ऊपर एक एरिया वाइज एक स्क्वायर फीट पे 1000 रुपया, 1200 रुपया, 1500 रुपया कुछ तो भी बोल के वो कॉर्पस देता है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर नॉर्मली जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में होता है, वो मिलता है। तो अभी तक, मतलब समझो कि 2022-23 तक पूरे मार्केट में ये लिखा गया है कि ये जो रेंट मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, कॉर्पस मिलता है हमें उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, 45% एरिया ऑफकोर्स उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, बिकॉज अगेन इट इज इन्वेस्टेड इन द फ्लैट। सो दीज आर ऑल द प्रोविजन विच वी कीप इट इन माइंड, अभी तक चल रहा था। पीपल यूज टू आर्ग्यू, अगर आपको 1000 रुपया 2000 रुपया पर स्क्वायर फीट कॉर्पस मिलता है तो एक एक आदमी को जैसे 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, 15,00,000 रुपया, 20,00,000 रुपया कॉर्पस आ गया, तो दैट इज टैक्स एग्जेम्प्ट। नंबर ऑफ मुंबई ट्राइब्यूनल डिसीजंस हैव बीन रेंडर्ड फॉर दैट, एंड दे से दैट ये जो चीज का पैसा हमें आया है वो चीज का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नील, हमें पता ही नहीं है, जीरो है, हमारे पास तो कुछ था नहीं है, हमारे लिए ऑल ऑफ अ सडन इज अ लॉटरी, इट्स अ कैपिटल रिसेट्स। सो वो बोल के एडवोकेट गया, एक्सेप्ट हो गया। तो अभी निर्मला मैडम के ध्यान में आ चुका है कि बहुत सारा पैसा बंबई में रीडेवलपमेंट हो रहा है और कॉर्पस बोल के जा रहा है जिसके ऊपर टैक्स नहीं जा रहा है। हालांकि बिल्डर अगर कॉर्पस चुकाता है तो ये तो खर्चे में डालेगा। तो लॉजिक समझे इनकम टैक्स का, कि एक जना खर्चा क्लेम कर रहा है तो सामने किसी का तो इनकम होना चाहिए ना। अब दूसरा बोलेगा मेरा कैपिटल रिसीट है, लॉटरी है, हमको नहीं लगता है। तो वन वे, वन समबडी इज क्लेमिंग एंड सेविंग टैक्स ऑफ 30%, बट द अदर गाय इज नॉट पेइंग। तो निर्मला मैडम ने इसको पूरा प्लग कर दिया है, नाउ दे हैव मेड इट टैक्सेबल 24 से। तो इसका जो आर्ग्यूमेंट किया था उन्होंने, कुछ सुप्रीम कोर्ट का बहुत जूना डिसीजन लेकर के आर्ग्यू किया था कि देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको पता नहीं, जीरो है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो सेक्शन 55(2)(a) में उन्होंने अमेंड करके लिख दिया कि भाई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरफ के राइट्स का जीरो पकड़ा जाएगा, मतलब इट इज एज गुड एज बोनस शेयर्स। जैसे आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर और 1000 बोनस आ गए, तो जब 1000 बोनस शेयर भी बेचते हो तो कैपिटल गेन तो लगता ही है ना, वो एग्जाम थोड़ी है। आप बोलो ये तो मुझे फुकट में मिला, कैपिटल डिसीजन नहीं चलता है उधर। सेम वे, सो दे हैव एमेंडेड टू डेफिनेशन, वन इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट्स, जिसके अंदर में भी उन्होंने ये ऐड कर दिया, एंड दे हैव एडेड एज इनटेंजिबल राइट्स। यानी अपने प्रभु सर और एडवोकेट्स आर्किटेक्ट्स वगैरह पकड़े, कोई भी लैंड होता है ना वो लैंड एंड अपॉर्टूनेंट देयर टू करके एग्रीमेंट में लिखते हैं। सो दे से दैट एनी लैंड हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ राइट्स, कोई लैंड लीज होल्ड है, कोई लैंड फ्री होल्ड है, कोई लैंड के ऊपर टेनेंट बैठा तो टेनेंसी राइट्स है, कोई लैंड के ऊपर गुंडे लोग आके घर बना देते हैं, एंक्रोचमेंट राइट्स है, कोई लोग लैंडलॉर्ड दिखता ही नहीं अमेरिका गया तो यहाँ झोपड़पट्टी बना देते पूरा। तो दीज आर ऑल दी राइट्स विच आर वेरियस ऑफ नेचर राइट्स, एंड दीज आर ऑल इनटेंजिबल, ये हाथ में पकड़े नहीं जाते, यू कैन सी टेनेंसी राइट्स, यू कैन सी। सो उन्होंने ये बोल दिया इनटेंजिबल राइट्स को, ऑल दैट दे हैव कवर्ड विद इन दैट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत पहले ऐसे डिसीजन दिया है कि एनी लैंड के साथ किसी भी तरह का जो राइट्स क्रिएट होता है, दे से दैट लैंड कैन हैव अ बंडल ऑफ राइट्स। तो ये बंडल ऑफ राइट्स में आपका ये प्लॉट है, पहले FSI 1.33 था, बाद में FSI 2.84 हो गया, अभी जैसे रोड बढ़ा है तो 3.4 भी हो गया। तो वॉट इज दैट, दैट डेवलपमेंट राइट्स इज अ राइट्स अक्रूड ओवर अ पीस ऑफ लैंड। लैंड तो उतना ही है, लैंड एक इंच भी बड़ा नहीं है,
लैंड पहले भी 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट था तो 1000 ही था, बट आज उसके ऊपर 3.40 पकड़ो तो वो हिसाब से कर लो. सो दीज लैंड राइट्स जो अक्रू होते हैं दैट इज इंटेंजिबल राइट्स, और उसको हम बोलते थे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें पता नहीं जीरो है तो हमको कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए, बट नाउ द लॉ इज मेड वेरी क्लियर दैट इसके ऊपर टैक्स लगेगा. सेकेंड बदलाव उन्होंने ये किया है कि बिल्डर जो JDA एग्रीमेंट करता है वो JDA एग्रीमेंट के तहत अंतर्गत जो भी पेमेंट देगा उसके ऊपर उसे TDS काटना है. सो दैट इज 194IC करके सेक्शन डाल दिया है, वो TDS काटेगा हर एक पेमेंट पे, कॉर्पस पे भी काटेगा, रेंट पे भी काटेगा, या जो वट एवर पेमेंट चीज पे ही. तो वो TDS आपके 26AS में जाके बैठ जाएगा, और वंस यू गो टू फाइल योर रिटर्न यू हैव टू क्लेम दैट TDS. अब TDS क्लेम करोगे मुझे रिफंड दो, और जो इनने इसके रिलेटेड इनकम है वो आपको कहीं दिखानी नहीं है, आप बोले तो टैक्सेबल नहीं है तो बनेगा नहीं, यू विल हैव टू जस्टिफाई योर सेल्फ. सो यू हैव टू टेक अ वेरी प्रॉपर डिसीजन बिफोर यू एम्बार्क ऑन दैट ये मेरा फ्री पकड़ूँ कि इसको कैपिटल गेन में डालूँ, 20% भरूँ, क्योंकि 10 तो वैसे भी कटा हुआ है, आपको बैलेंस 10 ही भरना है. तो माई हम्बल अकॉर्डिंग टू माई माइंड इट विल बिकम अ टैक्सेबल कॉर्पस एज अ कैपिटल गेन, और इसके ऊपर 20% लगेगा ही लगेगा, अनलेस यू इन्वेस्ट समवेयर इन अनदर फ्लैट और समथिंग ऑफ प्रॉपर्टी इट विल बी फ्री, अदरवाइज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट प्रोविजन ऑफ दैट 194IC. 194IC में ये भी लिखा है कि हार्डशिप रेंट सबके ऊपर TDS तो कट होना ही होना है. रिमार्केबल डिसीजन मुंबई हाईकोर्ट ने अभी दिया था काफ़ी टाइम के पहले, एंड पिछले 2-3 महीने से व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में घूम रहा है, उन्होंने ये दे दिया है कि हार्डशिप इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल. नाउ देर आर दिस हार्डशिप वर्ल्ड is coined for some requirement. Otherwise, it is what? It's a rent for an alternate accommodation. आपको building तोड़ना है, वहाँ से निकलना है, तो आपको कहीं ना कहीं बैठना है, तो भाड़ा देना पड़ेगा, तो rent आपको दिया है. तो it was a good word they used to have that in the PAAA. They say that it is a rent for alternate accommodation. But, you know, chartered accountants है, brilliant भेजा घूम रहा है market में, तो word डाल दिया. तो hardship accommodation का, hardship compensation का नाम डाल दिया rent का. नाउ हार्डशिप है, अभी कैसे हार्डशिप है विल डिस्टिंग्विश टू मोर केसेज एंड यू विल कम टू नो वॉट इज हार्डशिप. ये एरिया है प्लॉट तोड़ दिया, आप 30-40 साल से जयप्रकाश नगर में रह रहे हो, सो आपका धोबी, काम वाली बाई, दूध का ग्रॉसरी वाला सब आपको मालूम है नज़दीक नज़दीक, इसमें बच्चों का स्कूल भी नज़दीक है. ऑल ऑफ अ सडन अगर आपका बिल्डिंग हो गया और आपको कहीं डिसलोकेट करके बाहर जाना पड़ा, तो यू विल हैव हार्डशिप इन फाइंडिंग अ स्कूल, यू विल हैव अ हार्डशिप इन फाइंडिंग अ काम वाली बाई, यू विल हैव अ हार्डशिप इन फाइंडिंग ग्रॉसरीज, मील्स एंड ऑल दैट. कहाँ जाओ, कैसे जाओ, किसको पूछो, मिले नहीं मिले, एंड यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. सो दिस वेयर दी हार्डशिप्स फ्रेंकली स्पीकिंग. और इसको हार्डशिप वर्ड इसीलिए कॉइन किया था कि ये सब जब इतने ट्रॉमा में से आदमी जा रहा है, अब ये पैसा दिया है भाड़े का, तो उसको क्यों टैक्स किया जाए. बट देर वर टू थियरीज गोइंग ऑन. इफ यू हैव अ रेंट इनकम एंड यू आर स्पेंडिंग ऑल्सो ऑन अ रेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन, सो रेंट अगर समझो बिल्डर ने 50,000 रुपये महीना दे दिया और आपने सामने 50,000 का फ्लैट ले लिया, तो 50-50 नेट इन नेट आउट जीरो, टैक्स नहीं लगेगा 100%. बट काफ़ी कुछ लोग हैं जिसके पास इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी बहुत है, तो बोलते हैं मैं रेंट में नहीं जाऊंगा, मेरा खुद का फ्लैट एक बायंदर में पड़ा है, विरार में पड़ा है, हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे. सो ही इज गेटिंग रेंट फ्रॉम द बिल्डर एंड इज नॉट स्पेंडिंग, सो इन एंड आउट इज जीरो, टैक्स लगेगा 100%. हार्डशिप है कि नहीं है, दैट यू हैव टू टेक अ पर्सनल कॉल वॉट यू आर डूइंग विद द हार्डशिप कंपेंसेशन विच यू आर रिसिंग. बट द बेसिक कॉर्पस इज नाउ इट इज टैक्सेबल, सो यू विल हैव टू टेक इट इन माइंड दैट इसको अप्लाई करो और इसको ध्यान से करो और ये हिसाब से करना चाहिए. वन मोर ऐसा होता है कि एक सोसाइटी है जिसका अभी केस ऐसा है कि उन्होंने क्या किया कि कॉम्पेंसेशन सभी फ्लैट ओनर्स का टोटल पकड़ के सोसाइटी ने ले लिया. देर आर 30 members, तो बोला सब अलग अलग मत बांटो, पूरा कॉर्पस हमको सोसाइटी देखो, बिकॉज ये मतलब मिसप्लेस नहीं हो जाएगा, अच्छा सा किटी बन जाए, हम FD करेंगे. अगेन टैक्स इज देयर. फिर अभी ओल्ड मेंबर बोल रहे हैं नया वाला आएगा इसको पैरिटी पे लाने के लिए हमको या तो ज़्यादा कॉर्पस कलेक्ट करना है, पैरिटी पे लाना है, या तो फिर हमको रिफंड कर दो. रिफंड इज जस्ट नॉट पॉसिबल. प्रभु सर विल ओपाइन अंडर द कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट अ डिविडेंड, और ये रिफंड कोई हत्याकाल में नहीं. बट ये कर सकते हो, जूनियर मेंबरों को थोड़े ईयर के लिए मेंटेनेंस फ्री कर दो, दूसरों से मेंटेनेंस लो और इक्वल पैरिटी पर ला सकते हो. सो दीज आर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स यू हैव टू एड्रेस वाइल यू आर डूइंग अ रीडेवलपमेंट एंड वाइल यू आर डूइंग अ JDA. तो सोसाइटी के हाथ में पैसा उठा के टैक्स तो भरना ही है, उसके अच्छा सबको पहले इंडिविजुअली दे दो और सब
जूने और नए सब मेंबर से एक साथ एक अमाउंट कॉर्पस का कलेक्ट करो, सो देन देर विल बी अ पैरिटी, वो एक हो सकता है। देन लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट, छोटा छोटा सोसाइटी का रोज गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करते रहती है। तो एज ऑफ टूडे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए चार पांच चीज आपको ध्यान में रखना है कि टैक्स रिटर्न भरना है, टीडीएस टाइम पे भरना है, एटीपी टूडी का क्लेम करना है तो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ही एफडी रखना है। एंड अगर रीडेवलपमेंट हो रहा है तो व्हेन यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द बिल्डर फॉर द रीडेवलपमेंट द जेडीए के तहत जो भी आइटम लोगे उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा, और वो टीडीएस एप्लीकेबल तो उसका ध्यान रखना है। यू कैन बेटर कंसल्ट फर्स्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर एंटरिंग इनटू अ जेडीए के भी व्हाट आर द कंडीशन, हम लोग इसको किस रूप से हाथ में ले, सो दैट कैन बी वन ऑफ द यू नो पेन पॉइंट्स वेयर यू हैव टू टेक इट अप। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए इसके अंदर में क्या अपॉर्चुनिटीज है, तो यही है कि आप इसी ध्यान में लेते हुए हर एक सोसाइटी का जब आप ऑडिट कर रहे हो या तो जैसे कि आप उसका टैक्स रिटर्न भर रहे हो तो यू कैन कीप इट इन माइंड व्हाट एडवाइस यू हैव टू गिव, टाइम पे रिटर्न भराओ, उसके ऊपर से समझो कि एटीपी टूडी वाला केस है तो उसका रिटर्न फाइलिंग में प्रॉपर प्रिकॉशंस कहाँ लेना है वो ले लो। एंड एटीपी टूडी मुंबई हाई कोर्ट एंड द मुंबई ट्राइब्यूनल इज़ वेरी मच ऑन द लाइन दैट एनी कोऑपरेटिव, बिकॉज ये एटीपी टूडी का बबाल पूरा बेंगलोर कर्नाटक से चालू हुआ है। कर्नाटक में सम हाईकोर्ट के जजेस है देवर नॉट ऑफ द ओपिनियन, उनका कहना ऐसा है कि कोऑपरेटिव बैंक इज़ नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्होंने इसके वजह से बबाल किया था। बट कोई भी कोऑपरेटिव बैंक पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी ही बनता है, दे नेसेसरीली हैव टू रजिस्टर एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन दे अप्लाई टू आरबीआई फॉर द लाइसेंस ऑफ बैंकिंग अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और वो लाइसेंस मिलने के बाद दे रन द कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी। सो कोऑपरेटिव बैंक्स नॉर्मली ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स आर प्राइमरीली अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सो द एक्ट कवर्स। बॉम्बे वाले ज़्यादा होशियार है क्योंकि सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बॉम्बे में है, बाकी सारे में नहीं है। तो दैट कर्नाटक थिंग्स वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और भरे भरे लोग पड़े हुए, तो दे सम ऑफ द जजेस दे ओपन यस कर्नाटक हाई कोर्ट इज करेक्ट। तो ऐसा भी है कि सुप्रीम कोर्ट के तीन चार डिसीजन है, दो हाँ बोल रहे हैं और दो ना भी बोल रहे हैं, बट अल्टीमेटली इट विल सेटल द डस्ट आफ्टर सम टाइम बिकॉज देर विल बी अ लार्जर बेंच। बट आज की तारीख में कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट जो आता है दैट इज फ्री अंडर एटीपी टूडी। तो लाइक स्लाइड्स में कुछ खास नहीं, यही सारा जो मैंने निचोड़ किया है TDR, yes, this entire thing will be made available to you. Let me just see if I have not missed out anything. Case history jo hai, choti choti. These are all the various case laws available in my PPT for ATP 2D. बहुत सारे लड़े हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कॉर्पस, जो कॉर्पस के लिए जो डेवलपमेंट राइट्स अक्रू होते हैं उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी कंसिडर्ड एज अ नील, एंड एनी राइट इंटेंजिबल राइट्स के अंदर में, इंटेंजिबल राइट्स बोले तो कोई जो भी राइट्स है टेनेंसी कन्वर्ट करते हैं ओनरशिप में तो भी इफ़ यू गेट सम कंपेंसेशन इट इज़ टैक्सेबल। तो दीज आर ऑल द प्रोविजन्स अवेलेबल इन द स्लाइड्स विच आई विल मेक इट अवेलेबल टू यू। डन, रीओपनिंग ऑफ केसेस, एक छोटा सा स्लाइड देख लेते हैं। जयप्रकाश नगर से कम तीन सोसाइटी हैज़ अप्रोच टू मी दैट एक बार रीडेवलपमेंट के लिए कोई सोसाइटी जाता है तो सोसाइटी का बिल्डिंग तो डिसलोकेट हो जाता है, गिर जाता है, कमिटी ऑल्सो भी अलग अलग जगह चलते हैं, और उनका एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है रजिस्ट्रार के लिए जाता है तो दैट इज़ रजिस्टर्ड विद सम मार्केट वैल्यूएशन, जैसे डिमिंग फिक्शन से सम मार्केट वैल्यूएशन आता है। हालांकि सोसाइटी को एक रुपया नहीं मिला है, मेंबर्स को 45% एक्स्ट्रा एरिया मिला है, मेंबर्स को हार्डशिप रेंट मिली हुई है, बट उसका जो वैल्यूएशन पार्ट है दैट रजिस्ट्रार डज इन अ ट्रिकी वे, दे से दैट देर इज सम डीम्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फॉर द ओल्ड बिल्डिंग, सो दे टेक सम एक्स पार्ट, देन दे टेक द एक्स्ट्रा एडिशनल जो प्लॉट का पोटेंशियल जनरेट होता है तो उसका एक वैल्यूएशन पकड़ते हैं, वो सब पकड़ के समझो 3-4 crore, 5 crore का वैल्यूएशन करके JDA रजिस्टर होता है और उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगती है तो बिल्डर भर देता है। अब सोसाइटी इज नोवेयर इन द पिक्चर, ये एग्रीमेंट रजिस्टर होता है वो AIR ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रजिस्ट्रार चढ़ा देता है इनकम टैक्स की साइट पे, और पैन नंबर गया है सोसाइटी का तो सोसाइटी का पैन नंबर में दिख रहा है कि यू हैव सोल्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ 3 crores, वेर एज इट इज नॉट द सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी, इट्स अ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट राइट्स रजिस्टर्ड ओवर देयर। सो उसके तहत नोटिस आ रही है कि भाई व्हेन यू हैव सोल्ड एन इमोबल प्रॉपर्टी फॉर मोर देन 7 crores, 3 crores, 5 crores, हमारे पास तो 70 क्रोर्स तक का भी आया हुआ है, तो वाई यू हैव नॉट फाइल्ड योर रिटर्न, और अगर रिटर्न भरा है तो इसमें कैपिटल गेन कहाँ है, दे वॉन्ट टू फाइंड आउट, बट नेचुरली देर वोंट बी एनी कैपिटल गेन बिकॉज सोसाइटी के हाथ में कुछ नहीं आया। अब वो सोसाइटी डिसलोकेट की वजह से कमिटी मेंबर्स आर नॉट मीटिंग एवरी 6 months, 7 months, और साथ साथ में उनका जो मास्टर पोर्टल जो होता है उसके ऊपर करेक्ट आईडी भी नहीं है, जैसे ईमेल आईडी कोई टैक्स कंसल्टेंट का डाला हुआ है या तो समझो मोबाइल नंबर जो सेक्रेटरी का डाला था वो भी सेक्रेटरी नहीं है, तो इनकम टैक्स का कम्युनिकेशन गोज हेवायर, और ये सारा एक्स पार्टी असेसमेंट हो जाता है। अब ITO को तो कुछ देखने का नहीं है, उनको खाली देखना इतना है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, दैट इज अ सेल ऑफ अ इमोबल प्रॉपर्टी वर्थ सो मेनी रुपीज, एंड ITR में वो जोड़ के सीधा बड़ा डिमांड बना के
असेसमेंट ऑर्डर बना के भेज देंगे. तो राइट नाउ पीपल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स. तो एक ही है कि आपके सीए के पास ये साल का रिटर्न भरा हो, तभी भी उसको बोलो कि प्लीज़ लॉग इन एंड चेक इफ देर इज़ एनी ई कॉम्प्लायंस में हमारे उधर कोई हमारा कोई ट्रांजेक्शन दिख रहा है क्या. देर आर सम सोसाइटी हु हैव नॉट फाइल द रिटर्न बट दे हैव एन एफ डी. फिक्स डिपॉजिट तो है, सिंकिंग फंड का है, रिजर्व फंड का है. एफ डी मैच्योर होता है और नया बनता है, दैट मीन्स रीप्लांट होता है. नॉर्मली वी कॉल इट एज ऑटो रिन्यूअल्स. अब ऑटो रिन्यूअल होता है तो बैंक वाले भी वो एफ डी का मैटर चढ़ाते हैं 5 लाख के ऊपर है. नाउ देर इज अ गाय हु इज सिटिंग इन बैंगलोर, वो बोलता है ये आई टी आर भरानी है सोसाइटी ने, इसके पास 75 लाख का एफ डी कहाँ से आया है. बट वो पीछे जाके नहीं देखा है सोसाइटी कितने साल से है, 75 लाख एक दिन में नहीं बना है. दिस इज लाइक 1970 की सोसाइटी और 2024 में आप बात कर रहे हो तो 54 साल की सोसाइटी के पास इतना पैसा तो होगा. सेकेंडली 75 लाख जो अपलोड हुआ ना वो ड्यूरिंग द ईयर जो खत्म हो गई एफ डी वो रीमेच्योर हुई वो चढ़ी हुई है, तो वो भी नहीं देखेगा कि सोर्स इज द ओल्ड एफ डी. बट वो इसकी वजह से भी आपको क्वेरी आ सकती है कि सिंस यू हैव अ ह्यूज एफ डी वॉट इज द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू एफ डी और रिटर्न लग सकता है. तो दीज आर ऑल द कॉमन प्रैक्टिकल केसेज विच वी हैव येट टू फेस्ड एंड वी हैव ऑलरेडी फेस्ड बिकॉज हमारे पास आती है ऐसी लिटिगेशन प्रैक्टिस में. तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपके सी ए को बोल करके ई कॉम्प्लायंस पोर्टल में जाके कोई भी कॉम्प्लायंस अगर दिख रहा है आपको खाली हाँ या ना बोलना है. अगर उतना बोल दिया तो आपका मैटर वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा. अगर नहीं बोलोगे तो देन इट माइट एज वेल कर्टेल्स टू. ये छोटी छोटी क्वेरीज है, एनी अदर क्वेरीज भी होगा तो माई ई मेल आई डी आई विल शेयर एंड यू कैन ऑलवेज आस्क अस. So we'll take it up. Fine, ये corpus we have covered. अगर आपके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है उसी की क्वेरी आई है तो ई कॉम्प्लायंस में जैसे जाओगे तो पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है उसको तो बोलना ही बोलना है. अगर यस बोलोगे तो बाजू की कॉलम में लिखा रहेगा और नो बोलोगे तो भी लिखा रहेगा कि इट इज़ ए अग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी बट नॉट लायबल टू कैपिटल गेन्स, कि इसमें कैपिटल गेन का कोई इश्यू नहीं है हमारे पास. एंड अल्टरनेटिवली आप उसको बाद में एक बॉक्स आता है उसमें अराउंड 1000 वर्ड्स तक आप लिख सकते हो, तो आप पूरा एक्सप्लेन हिस्ट्री डाल सकते हो कि दिस आर दी एग्रीमेंट्स विच इज़ हमको कुछ लेना देना नहीं इसमें और सोसाइटी को कुछ नहीं. इट्स अ मियरली अ डेवलपमेंट और जिस जिसके अंदर में जो वैल्यूएशन पकड़ा गया है इट्स एन आर्टिफिशियल फिगर विच इज अडॉप्टेड बाई द स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रार नॉट बाई अस, सो दैट यू हैव टू डिफेंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. एंड आई हैव शेयर्ड माई कपल ऑफ केस लॉज दैट राज रतन सोसाइटी एंड MIG एंड सम वन मोर. सो दीज थ्री सोसाइटीज हैव ट्रैवल्ड देयर दिस काइंड ऑफ मैटर नॉट ओनली फ्रॉम द ITO टू कमिश्नर टू ट्राइब्यूनल, दे हैव ऑलरेडी ट्रैवल्ड टू बॉम्बे हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी ये डिसीजन दे दिया कि सिंस देर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कंसिडरेशन कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा. सो यू हैव टू ओनली कन्विंस योर ITO. खानोलकर करके एक यहाँ सोसाइटी है कोई, हाँ दैट सोसाइटी हैड फेस द सिमिलर इशू फॉर 3.80 CR. ITO मान नहीं रहा था बट वी रिप्रेजेंटेड एंड बाद में उसने जीरो करके दे दिया. विद्यांचल करके एक सोसाइटी है, उद्यांचल, हाँ. सो आई मीन टेक अप द मैटर विद द एपेलेट लेवल एंड इट विल गेट इट अप. या थैंक यू, आपका क्वेरी होगा वो बताओ, मैं बैठा हूँ, डोंट वरी. We have taken and we have spent no taxation, but in corpus the taxation is there. 24 onwards, yes. 24 okay, onwards it is there. And there was something going on that within 3 years if the possession is not given, then there will be separate charges. That 3 years condition is for the purpose of investment into a new flat. No, we are going into redevelopment. Absolutely. And we are not getting possession within 3 years. Then some tax is, extra tax is applicable? Not necessarily, because now see, I'll take an example. 500 square feet is your old premise and you are getting from the builder 100 square feet more. So you are getting a flat of 600 square feet, but you are not buying anything or not you are paying anything and you are not surrendering any extra area also. Then there is nothing you will have to do, no tax. But suppose you have 500 square feet, 100 is extra allotted and you are buying 200 square feet more so that your flat becomes 3 BHK. So that
200 स्क्वायर फीट वाला जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, उसके लिए जो आप पैसा देना है ना, दैट मनी यू शुड स्पेंड इट एंड यू शुड गिव इट टू द बिल्डर विद इन 3 years. अभी बाई एनी टेक्निकल डिफेक्ट्स समथिंग रीजन्स बिल्डर इज नॉट एबल टू गिव यू द हैंड ओवर द पोजेशन विद इन 3 years, बट दैट विल नॉट स्पॉइल योर कैपिटल गेन, दैट विल स्टिल बी अवेलेबल. देर आर नंबर ऑफ डिसीजंस हैव कम बिकॉज इन दिस सेक्शंस दे से दैट यू शुड इन्वेस्ट योर कैपिटल गेन और योर मनी फॉर द बाइंग अ न्यू हाउस दैट इज एक्स्ट्रा जो ले रहे हो, एंड दैट 3 years में आपका पेमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन शुड हैव बीन डन, दैट इज ऑल. पूरे सेक्शन में 3 साल के बाद पजेशन भी दिखाना कहीं लिखा नहीं, बट ये ITO जो बैठे हैं वहाँ पे उनको ये है कि लेट्स स्क्रू, तो ITO बोलेगा पजेशन दिखाओ, पजेशन नेचुरल नहीं है तो बोला 3 साल खत्म हो गया आपका फ्लैट हुआ नहीं तो दैट्स नॉट, बट आपका पैसा कैपिटल गेन का जो इन्वेस्टमेंट पर्पज जो है वो बिल्डर को जाना चाहिए 3 साल के अंदर अंदर, देन इट वोंट बी टैक्स. मींस रिसीवेबल इफ वी आर नॉट गॉट विद इन 3 years रिसीवेबल कॉर्पस फंड 3 साल के अंदर नहीं मिला हमको, तो उसके ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेशन नहीं है? नहीं, एक्स्ट्रा टैक्सेशन नहीं है. नहीं, ओके सर. वन नॉर्मल एक्स्ट्रा जो आप ओवर एंड अबव दैट 35-45 जो अपना DC रेगुलेशन में मिल रहे हो, वो फंजिबल छोड़ के, फंजिबल के ऊपर जो बाय कर रहे हो वो नॉर्मल में जाएगा. सर नेक्स्ट वन लास्ट क्वेरी इज रिगार्डिंग GST. GST ऑन द एग्जिस्टिंग, सपोज माय फ्लैट एरिया इज 500, आई एम गेटिंग 600 स्क्वायर फीट, इज देयर एनी GST एप्लीकेबल ऑन दिस ट्रांजेक्शन? 500 एंड यू आर गेटिंग 600 फ्री ऑफ कॉस्ट, डेवलपर इज गिविंग अस. As of today, after 1/4, I'm not an expert on GST, but still I'll clarify. 1/4/2019, then they have made a provision for that कि भाई old structure वाले जो है जिनका flat construction करेगा तो that will tantamount to services rendered और GST लगेगा, ठीक है. Now the issue goes on two aspect. एक तो इन्होंने ये बोला को 600 फुट का जो valuation है क्या चीज़ के ऊपर मैं 12%, 6% भरूँ, अभी जो GST जो 5% है, तो वैल्यूएशन इज अ गेम वेयर वैल्यूएशन में उन्होंने ये बोला है फर्स्ट सेल रेट दे कंसीडर, ठीक है, फर्स्ट सेल मैं समझा रेडी रखना रेट है, तो उसने जो नया वाला एक फ्लैट जिसको आउटसाइड पार्टी को बेचना था समझो 20,000 के भाव में बेचा, तो ये 20,000 के भाव में आपको लग जाएगा. पीपल हैव रिप्रेजेंटेड, रादर आई सेड दैट मिस रिप्रेजेंटेड टू दी निर्मला मैडम, वो समझा नहीं पाए. उन्होंने अभी भी जो 57th मीटिंग जो हुआ था अभी लास्ट वाला जो कमेटी, उसमें ये मांगा था, तो निर्मला मैडम को ये बता दिया कि सी हाउ दी गवर्नमेंट फंक्शंस ना, गवर्नमेंट में निर्मला मैडम को लॉ का नॉलेज 0 है, उसको खाली आई एंड जाए दो दिखाना पड़ता है कि ये मैं करूँ तो जाएगा कितना और ये करूँ तो मेरे को आएगा कितना, तो वो बताने वाले उनके बाबूज है, तो बाबूज क्या करते हैं, मैडम ये एग्जेम्पशन दे दिया ना इनको तो 1200-1500 करोड़ का नुकसान जाएगा, तो मैडम हिलेगी नहीं और बोलेगा जाएगा क्या जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 200-300 करोड़ का फर्क, तो तुरंत एग्जेम्पशन. दिस इज हाउ दी मशीनरीज आर टेकिंग प्लेस एट दी. तो ये जो आपका जो इशू है ना वो रिप्रेजेंट किया गया, तब ये बोलना चाहिए था कि मेरा जूना फ्लैट थे, मैं जूना तो था ही था, 500 तो मेरा ही था ना, तो बिल्डर ने बनाने के लिए दिया एंड यू आर सेइंग दैट इट इज अ सर्विस इज रेंडर्ड बाय बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विस, तो उसने फ्लैट थोड़ी नया दिया है, उसने तो कंस्ट्रक्शन करके दिया ना, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ लो, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर 20,000 के भाव में नया फ्लैट बिकता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 20,000 नहीं आपका, वो तो 5,000 होगा, तो 5,000 के वैल्यूएशन पे यू शुड हैव एग्रीड कि इसके ऊपर GST लगाओ तो हमें मानना नहीं है, बट दिस प्रोपोजिशन दे डिड नॉट पुट, दे वो कंप्लीट बोला हमको एग्जाम कर दो बस, और वो मैडम को चलता नहीं है, कुछ दो तो कुछ कम करेंगे दोनों तरफ से. आई हैव सीन दैट some of the societies have paid the GST on the first sale. This thing. अभी law तो says that. अभी इसके लिए there are a couple of cases where advocate Bharat Raichandani has fought out. उनका यही matter पे service tax की regime में भी ऐसा हुआ था. तो the case is stuck in Supreme Court. अभी 5-7 साल तो हो गया. 19 मतलब आज 6 साल हो गया. 19 के पहले का matter है. अब Supreme Court जो verdict उस पे देगा ना, वो Vedanta करके है, तो वो सब पे prevail करेगा. Okay. अभी तक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग नहीं आया है. ये GST रेट पे नहीं होना चाहिए, इस पे रिव्यू पिटीशन किया है कोर्ट में बॉम्बे, जस्ट अभी दैट चल रही है, चल रही है. बट क्या होता है ये वाला जो रिट पिटीशन भी है ना, तो हाई कोर्ट नोज दैट द सिमिलर इशू इज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. जब एक एडवोकेट भी बोल देगा ना, तो ये लोग बोलेंगे इसको साइड में छोड़ दो, जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं होगा हम इसको नहीं करेंगे. दे विल सिंपली नॉट डिसओबे द सुप्रीम कोर्ट. तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट वाला जो आएगा ना, दैट बिकॉज व्हाट हैपेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग DA,
developer says nowadays that society has to pay. Yes. And he is giving example of service tax, which the notice is they have received after completion of the project. सब builder को आया है तो normally builder would say, अरे कई बाकी builder ने तो ये भी बोला है कि जब तक आप ये पैसा नहीं दोगे हम आपका corpus release नहीं करेंगे. या possession नहीं देंगे. Corpus भी नहीं पकड़ते. ठीक है ना. I mean you have no choice but to pay. But आपको ये पता नहीं चलेगा उसने भरा कि नहीं. That receipt we should I obtain. That game is going on in entire Maharashtra. Yeah. Okay. Any other query? Concept of mutuality. Purpose. Ka decision. As on today. अच्छा. नो आई लव यू. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. एक बाड़ूवात वाला बिल्डिंग होता है ना, जब वो रीडेवलपमेंट में जाता है लैंडलॉर्डशिप टेनेंट वाला, तो टेनेंट ने हमेशा 180 रुपीस रेंट दिया रहता है मंथ का. एंड ही हैव एन्जॉयड द फैसिलिटीज ऑल सॉर्ट्स ऑफ, जैसे रहता है जो भी फैसिलिटीज है. अब जब रीडेवलपमेंट होता है तो टेनेंट बिकम्स दी ओनरशिप राइट्स वाला बन जाता है और नए लोग आते हैं, वो फ्रेश नए आते हैं. एंड देन द बिल्डिंग में फैसिलिटी बढ़ जाती है, जैसे कंपाउंड है तो लाइक पार्किंग है, पहले लीफ नहीं है तो लाइक दो ग्राउंड प्लस टू है तो वॉचमैन भी नहीं होता है, खाली पानी चढ़ा के गुरखा चला जाता है, ऐसा होता है. अभी इसमें सब फैसिलिटीज़ बढ़ती है तो एक मेंटेनेंस का एक एक्स फिगर आएगा कि भाई 10 रुपये स्क्वायर फीट लगेगा. अभी 180 रुपये जो भर रहे हैं उसको सीधा 10 रुपये आएगा, तो समझो 500 स्क्वायर फीट है तो आप समझ सकते हो 5000, तो वो खलबला जाएगा. 5000 रुपये महीना जो 180 में जिसने इतने साल निकाले तो वो डर जाएगा. तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए कि भैया तू 4000 रुपये जो जा रहे हैं ना, तो उतने के हिसाब से हम तुमको कॉर्पस देगा, उसको FD में डाल दे, उसके ब्याज में कॉर्पस में तेरा मेंटेनेंस नया वाला चल जाएगा. या तो सम ऑफ द बिल्डर्स आर ऑल्सो कीपिंग ए कॉर्पस विद डैम्स एंड दे से दैट के 10 साल तक तुमको मेंटेनेंस फ्री कर दूंगा, ओल्ड वाले को 10 साल के बाद आपको भरना है. सो ही विल कीप दैट मनी विथ हिम, आपको मेंटेनेंस फ्री कर दे, मतलब मेंटेनेंस की देने की जिम्मेदारी उसकी है. बट साथ साथ में क्या होता है, उसके पास जो करोड़ों रुपए का जो FD पड़ा रहता है ना, उसके पास रहता है बीच ही कैन एम्प्लॉय डिप्लॉय एक्सेट्रा इन हिज वर्किंग कैपिटल. अग्री, अगर आपको हाथ में नहीं आया तो कैपिटल गेन नहीं लगे, बट अभी सरकार जानना चाहती है कि कैपिटल गेन है तो 20% आपके हाथ से. सी वो व्हाट्सएप पे एक जोक आ रहा है ना, वो प्लेट में से धड़ाधड़ माँ उठा रही है और बोलते नीचे लिखा है निर्मला बहन को, कुछ भी होगा, सी वॉन्ट सम मनी. सी गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ग्रो, गवर्नमेंट को ए क्लास बनना है, यानी इंडिया को टोटल भारत को, और भारत को $5 trillion की इकोनॉमी में लेके जाना है तो टैक्सेशन चाहिए. आज की तारीख में सालाना 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख करोड़ के आसपास GST महीने का आ रहा है. सो यू कैन से 20 लाख करोड़ साल का, 20 लाख करोड़ इनकम टैक्स और 10-1 लाख करोड़ उस आंडू पांडू चीज में से आता होगा. 50 लाख करोड़ की जो आय है ना, उसमें गवर्नमेंट का जो आय है, मतलब उनका जो विजन है दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड मोर देन 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में, टू अपडेट योर रेलवेज, टू अपडेट ये जो नदिया का कनेक्शन का जो प्रोग्राम करना है पानी का, एंड बेस्ट इज डिफेंस, डिफेंस को मजबूत करना है, इन हाउस करना है, एंड लॉट ऑफ अदर मैन्युफैक्चर. इसके लिए पैसा लगे, तो पैसा के लिए उनके पास तो एक ही जगह दिख रहा है, इनकम टैक्स एंड GST. और कोई तरीका है तो हम मैडम को समझाएं कि हमको छोड़ दो यहाँ से ले लो. नहीं आना चाहिए ये तो मैं भी समझता हूँ, इसीलिए इतने साल जो प्रोविजन नहीं था तो इसको कर. बट एक सिंपल सॉल्यूशन है, आप उसको कैपिटल गेन्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे ना तो 5-6% का रिटर्न आएगा जो सेम पर्पस सॉल्व कर रहा है और टैक्स 20% नहीं लगेगा. मैं इफ यू कैन सजेस्ट, डाल सकते या अपने अभी नए नए वाले ना बहुत शाणे हो गए, हम लोग के जैसे का लेक्चर सुन के उन्होंने उधर बिल्डर से भी 20% ज़्यादा मांगना चालू किया. मतलब आपको 1200 रुपया कारपेट पे मिलने वाला है तो आप बोला नहीं हमको टैक्स भी है ना, 1500 कर दो.